स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ गीता हैज बीन एक्सप्लेन इन रामचरितमानस इन ए वेरी इंटरेस्टिंग मैनर, अर्थात गीता के ज्ञान को रामचरितमानस में बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। इसको आगे सुनिए। आशी है, पहले तो हमें ये सब समझ लेना चाहिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन कौन सा से? अमल है, उसमें कोई डल्टीनेस नहीं। सहज सुख राशि सो माया बस भयउ गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। जैसे बंदर या की तोता इन सबको तुम बांध लेते हो, उसी तरह से माया के बस में हम सब बंधे हुए हैं। सो हमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप सिखा सोई परम प्रचंडा। हम क्या हैं? सो हम अस्मि, हम ईश्वर के अंश हैं, वही मैं हूँ। और दीप सिखा सोई परम, वो बहुत बड़ी दीप सिखा है जिससे इतनी रोशनी मिलती है, सब कुछ प्रकाश में, जो हमारे आत्मा में, आत्मा जिसको कहें। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। अगर आत्म अनुभव करने लगो, वही तुम्हें बहुत बड़ा सुख का प्रकाश देगा। तव भव मूल भेद भव के जो भवसागर है, ये हमारा संसार को भव एक तरह से कहते हैं सांसारिक माया में, उसके जड़ को काट देगा, भ्रम को नाश कर देगा। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदितम मिटे अपारा। जितना अविद्या का परिवार सब खत्म हो जाएगा, मोह खत्म होगा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उर ग्रह ब्रह्मठि ग्रंथि निरुवारा। जब ये सब हो जाएगा तब तुम्हारी बुद्धि जो है उस गांठ को छोड़ देगी जिससे तुम बंधे हुए हो, जो तुम माया की गांठ में जो बंधे हुए हो। जीव जो है ईश्वर का अंश है, उस गांठ से बंधे, तब जो है जब इतना सब कर लोगे तब वो जब बुद्धि तुम्हारी गांठ को छोड़ देगी। छोरन ग्रंथ पाव जो सोई तब यह जीव कृतारथ होई। जब ये गांठ छूट जाती है तभी जो है जीव जो है कृतार्थ हो जाता है, मतलब मोक्ष भी पा सकता, खुद भी फ्री है। छोरत ग्रंथ जान खगराया विघ्न अनेक करें तब माया। बहुत सारे विघ्न आते हैं इसमें। रिद्ध सिद्धि रे रहे बहु भाई बुद्धि ही लोभ दिखा वही आई। बहुत सारी रिद्धि सिद्धि जो है आपको जो है लोभ दिखाती है, ये पैसा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, दुनिया भर के सब आदमी का डाइवर्जन जो है बहुत ज़्यादा है। कल बल छल करी जा ही समीपा अंचल बात बुझा वही दीपा। और ये सब छल बल करके आते हैं और तुम्हारे जो ज्ञान का दीप तुम्हारा जल रहा होता है उसे बुझा देते हैं, बुझाने की कोशिश करते हैं, जितनी भी माया की चीज़ें संसार की दुनिया भर की जिसमें हो। ये बुद्धि जो परम सयानी तीन तन चितव न अनहित जानी। अगर तुम्हारी बुद्धि सयानी है तो उसकी तरफ देखते नहीं है, जो भी माया जो सिद्धि सिद्धि आती है आपको लुभाने के लिए उनके तरफ देखते नहीं है। जो ते ही बुद्धि जो ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बांधी तो बहोरी सुर कर ही उपाधि। अगर तुम्हारी बुद्धि नहीं बांध पाई उसको, उसको रोक नहीं पाई, तो फिर क्या करेंगे? सुर देवता, देवता किससे बोलते हैं? जो आपकी इंद्रियां हैं वो एक्चुअली उनको देवता बोलते हैं, इंद्रियों को जो भी हैं, तो ये जो है बहुत सारे कष्ट करेंगे। इंद्रिय द्वार झरो खानाना तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। इंद्रियों के द्वार हैं, उसमें बहुत सारे झरोखे हैं, द्वार हैं, झरोखे खिड़कियाँ बनी हैं, उसमें देवता बैठे हैं। जैसे कहते हैं आँख का देवता कौन है? सूर्य। इस तरीके से इंद्रिय के द्वारों में जो झरोखे बने हुए हैं वहाँ पर देवता बैठे। आवत देखें विषय बयारी ते हट दे ही कपाट उघारी। जब विषय की बयार आती है, विषय भोग इन सब की जब बयार आती है, आँखों के लिए कोई सुंदर चीज़ आई
तो जबरदस्ती खिड़की खोल देते हैं, जैसे खिड़कियों पर सब बैठे हैं वो खिड़की खोल देते हैं ये देवता लोग, या तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी कहाँ देखे तो इधर उधर मुड़ जाएंगे। आवत देखें विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी, जब सुप्रभंजन उर ग्रह जाई, तब दीप विज्ञान बुझाई। जब ये हवा जो है हृदय पे जाती है, आँखों से नाक से कान, तो जो है वहाँ से ज्ञान का दीप, विज्ञान का दीप जो है बुझ जाता है। ग्रंथ न छूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। विषय के बतासे में, बतासा मीठा होता है, लोग बतासा लेना चाहते हैं ना, तो विषय के बतासे में जो है बुद्धि विकल हो जाती है, हैं, और गांठ फिर नहीं छूटती, फिर वहीं बंधे रहते हो संसार में। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाजी, विषय भोग पर प्रीति सदाई। इंद्रियों के देवताओं को जो है ना ज्ञान अच्छा नहीं लगता, उन्हें तो विषय भोग अच्छा लगता है। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विद दीप कुबार बहोरी। विषय का जो हवा है उससे बुद्धि को भोली कर देता है, वो बेचारा बुद्धि जो है फिर अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाती, और जो है और फिर जो है दीप को, ज्ञान के दीप को जो है बुझा देता है। तब फिर जीव विविध पावे संस्कृति क्लेश, हरि माया ति दुस्तर तरी न जाए बिहिगेश। और उसके बाद जीव जो है बहुत सारे संसार के कष्ट पाता है, हरि की माया जो है बहुत कठिन है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। कहते कठिन समुचत कठिन, साधन कठिन विवेक, होय घुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। ये कहने में भी कठिन है, अव्यक्त है सब चीज़ें, कि समझाई नहीं जा सकती, बड़ी मुश्किल है। होय घुनाक्षर, अगर कोई मतलब किसी तरीके से चांस की बाई चांस कुछ हो भी जाए तो फिर बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगे से होए नहीं बारा। ज्ञान का जो रास्ता है वो तलवार की धार है, उसमें चलना जो है बहुत ही संभल संभल के चलना पड़ता है, जिससे कहीं पर जो है कोई चीज़ जो आके विषय भोग इधर से दिमाग जो है पलट जाए। जो निर्विघ्न पंथ निर्बही, सो कैवल्य परम पद लहई। जिसने निर्विघ्न पंथ ये निकाल दिया वही कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।